सो फ्रेंड्स, इन केस अगर आपने एयर इंडिया की टिकट करी है क्लियर ट्रिप से, तो ये आपके लिए है। ये एप्लीकेबल सारी रूट्स के लिए है। बुकिंग डेट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ट्रैवलिंग डेट आपकी 23 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक होनी चाहिए। फ्री कैंसिलेशन अलाउड नहीं है। अगर आप कैंसिल करते हो तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे एयरलाइंस को। और फ्री अमेंडमेंट अलाउड है। आप फ्री में चेंजेस कर सकते हो। अपने फ्लाइट में कुछ डेट चेंज करना हो आपने, या फ्लाइट रिशेड्यूल करनी हो, तो इसमें आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन आप जो भी फ्लाइट रिशेड्यूल करोगे, जो नई डेट होगी, इनके सर वहाँ पे आपको फेयर चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। अगर आपको वहाँ पे बुकिंग अमाउंट ज़्यादा है तो आपको एयरलाइंस को देना पड़ेगा। उसके बाद नो शो चार्जेज विल बी वेव्ड ऑफ फॉर टिकट टू बी प्रोटेक्टेड अ फुल वैल्यू। नो नीड टू कैंसिल टिल यू डिसाइड टू ट्रेवल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि जो नो शो है, मीन्स इनकेस अगर आप अपनी फ्लाइट को बोर्ड नहीं कर पाते हो तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आप ये कहते हैं कि आपकी टिकट उनके पास प्रोटेक्टेड है, और वो भी फुल वैल्यू में। इनकेस अगर आप अपनी फ़्लाइट को बोर्ड नहीं कर पाते, फिर भी आपको आपको कोई कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू कैंसिल टिल यू डिसाइड टू ट्रैवल। लेकिन गाइस, ये सिर्फ 30 अप्रैल तक के फ़्लाइट्स के लिए है। तो अगर 30 अप्रैल तक की आपकी फ़्लाइट और अगर आप बोर्ड नहीं कर पाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर भी एयर इंडिया जो है वो आपकी टिकट को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो उसके लिए शायद आपको कुछ रिफ़ंड दे देगी, या उसके लिए आपको क्रेडिट नोट दे देगा, ताकि आप दोबारा से ट्रैवल कर पाओ या दोबारा से कोई नई डेट बुक कर सको। ओके, डेट चेंज और सेक्टर चेंज अलाउड। आप डेट भी चेंज कर सकते हो, सेक्टर भी चेंज कर सकते हो। सेक्टर चेंज करने का मतलब आप जो है अपने एयरक्राफ्ट को भी चेंज कर सकते हो, डेस्टिनेशंस वगैरह चेंज कर सकते हो। चेंजेस शुड बी डन बिफोर 30 सितंबर। तो सारे चेंजेस जो भी अगर आपने करने हो, 30 सितंबर से पहले पहले आपको कर लेने हैं। और इनकी अमेंडमेंट एंड कैंसिलेशन प्रोसेस को समझने के लिए मैं स्क्रीन में आपको ये ओपन करके दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो गाइस, ये तो था एयर इंडिया के लिए। थैंक यू।